आमिर खान के भाई फैजल खान का अपने भाई आमिर खान पे ही बहुत बड़ा आरोप लगा था। और आपको बता दें कि कुछ ऐसी बातें निकल के आई थी जिसमें आमिर खान जो हैं, फैजल खान ने अपने भाई पे यही आरोप लगाए थे कि उनका भाई उनकी सिग्नेचरी राइट्स को हड़पना चाहते हैं एक तरह से। उनके जो सिग्नेचरी जो भी राइट्स हैं, एक तरह से वो आमिर खान के भाई हैं और फैजल खान जो हैं, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी जो भी उनकी बातें थी, सो वो सब आमिर खान अपने पास रखना चाहते थे और अपने भाई को अपनी कस्टडी में रखना चाहते थे आमिर खान। ये बातें सामने आई थी। आपको बता दें कि 2007 की रिपोर्ट की बात है, फैजल खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये बोला है कि उनकी फैमिली वालों ने उन्हें एक साल तक फोर्सफुली मेडिकेशन दिया और उनको हाउस अरेस्ट में रखा, उनको घर में कैद रखा। जी हाँ, वो कहते हैं कि बाद में रिपोर्ट ये भी सामने आई थी 2007 में कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं और वो स्किजोफ्रेनिक एक बीमारी के भी शिकार हैं, एक तरह से वो मेंटली अनफिट हैं। सो आपको बता दें कि उन्होंने बोला कि उन्हें ये सब बोला गया, तो वो कहते थे कि उन्होंने भी कंटिन्यू रखा उस टाइम पे क्योंकि उनको लगता था कि ये काफ़ी बैड फेस चल रहा है, चला जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आया कि उन्हें लगा कि कोई उनके सिग्नेचरी राइट्स को अब अपने पास लेना चाहता है, तो उन्होंने कोर्ट में एक अपील दायर करी, उन्होंने केस लड़ा अपने भाई के अगेंस्ट, आमिर खान के अगेंस्ट, जिसमें आमिर खान हार गए थे। और वो कहते हैं कि आमिर खान है, उनके भाई हैं, वो केस हार गए थे और उनकी कस्टडी, फैजल खान की जो कस्टडी है वो उनके फादर को मिली गई थी। सो आपको बता दें कि उन्होंने ये 2007 की बात बताई है जिसमें कई ऐसी बातें उन्होंने बोली हैं कि वो कहते हैं कि जे हॉस्पिटल में 2007 में जब उन्होंने अपील दायर करी थी, जब वो केस लड़ रहे थे अपने भाई के खिलाफ सिग्नेचरी राइट्स के लिए, तो उन्होंने बोला था कि जे हॉस्पिटल में उनका एग्जामिनेशन भी हुआ था कि वो मेंटली फिट है या फिर नहीं है, उनको वहाँ से क्लीन चिट मिल गई थी, मतलब वो डिप्रेशन के शिकार नहीं थे, वो स्किजोफ्रेनिक के शिकार नहीं थे। उन्होंने इस बात पर विराम लगा दिया था कि ये सब फेक न्यूज़ थी। इसी के साथ उन्होंने बोला कि उनके कस्टडी कोर्ट ने उनके पिताजी को दे दी थी, फैजल खान अपने पिताजी के साथ ही रहते थे। इसी के साथ उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बात करी क्योंकि कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में बातें निकल के सामने आई थी जिसमें ये बातें आई थी कि जो फैजल खान है, कि जो सुशांत सिंह राजपूत है, वो डिप्रेशन का शिकार थे। ये सब बातें निकल कर आई थी मीडिया में। सो वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज नॉट इन द डिप्रेशन। लेकिन जो बातें आजकल कई ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं कि डिप्रेशन चल रहा है, डिप्रेशन है, कई ऐसे एक्टर्स हैं जो कि अब निकल के आ रहे हैं, उन पर भी गलत ब्लेम लगे थे कि वो डिप्रेशन का शिकार थे, जैसे कि फैजल खान, वो अब निकल कर आए हैं, उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता। सुशांत सिंह राजपूत एक इंटेलिजेंट एक्टर थे, पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे और एक वंडरफुल एक्टर थे, बॉक्स ऑफिस पे उनकी जो मूवीज़ है काफ़ी सक्सेसफुल रहते थे। सो ऐसा बंदा है वो डिप्रेशन का शिकार हो ही नहीं सकता। सो उन्होंने अपनी बात को रखा और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनको कैसे डिप्रेशन के चंगुल में उनको फंसाया गया था, उनकी फैमिली वाले कैसे उनको फोर्सफुली मेडिकेशन दिया करते थे, इन सब का बात का खुलासा आज उन्होंने बॉलीवुड हंगामा के सामने किया है। जी हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं आप कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए।